भारतीय किसान यूनियन की रैली में पहुंचने से पहले किसानों को पीपली चौक पर रोक लिया गया। उन्हें वापस जाने को कहा लेकिन वे नहीं माने। आगे बढ़ने पर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज करके लोगों को खदेड़ दिया। इसके बाद कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। किसानों ने पुलिस के ढीला पड़ते ही पीपली चौक को छोड़कर जीटी रोड पर दूसरी तरफ जाम लगा दिया। पुलिस पीपली चौक पर उलझी रही। लाठीचार्ज के बाद वापस गए किसानों ने जीटी रोड पर जाम लगा दिया। किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली में पहुंचे किसान पुलिस लाठीचार्ज पर उग्र हो गए। पीपली चौक पर कुछ किसानों ने पुलिस पर पत्थर फेंक दिए और जीटी रोड पर जाम लगा दिया। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा और लाडवा से कांग्रेस के विधायक मेवा सिंह अनाज मंडी गेट पर पहुंचे। प्रशासन का काम है, हमारा राजनीति इसमें कोई नहीं। किसान यूनियन वाले रैली करने आए हैं, आप उनको इजाजत दो, हम घर चले जाते हैं। हमारा इसमें कोई नहीं है, वो आप किसान थोड़े खड़े हैं, उनको जाने दो, हम घर चलते हैं। आप किसानों को जाने दो ना, हमारी रैली नहीं है, किसान यूनियन की रैली है। देंगे तो आप पब्लिक के नुमाइंदा मेवा सिंह जी खड़े हैं, इनका फर्ज नहीं बनता कि वहाँ हम लोगों के किसानों के अड़ने पर प्रशासन झुका और आखिर में पीपली अनाज मंडी में रैली करने की परमिशन दी। उन्होंने परमिशन मिलते ही रैली स्थल पर पहुंचना शुरू कर दिया। भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी रैली स्थल पर पहुंचे। उन्होंने किसानों का आभार व्यक्त किया और तीनों अध्यादेशों को किसान व मंडी विरोधी बताया। गुरनाम सिंह ने कहा कि सरकार किसानों की आवाज़ दबाना चाहती है। भाजपा ने चुनाव के समय स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की कही थी लेकिन सरकार अपना वादा भूल गई है। अब लॉकडाउन के बीच केंद्र की भाजपा सरकार तीन अध्यादेश लेकर आई है। ये तीनों अध्यादेश किसान और मंडी को खत्म करने वाले हैं। हमने रैली करने का प्रोग्राम किया था शांतिपूर्वक, लेकिन सरकार ने उसमें बैन कर दिया, मंडी को सील कर दिया, सभी जगह नाके लगा दिए और बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये सारा गैर कानूनी था और अभी हम रैली करने के लिए मंडी में पहुंचे हैं। ये किसानों की आड़तियों की पहली जीत है। अगर सरकार जल्दी हमारी बात नहीं मानती है तो आज ही यहाँ से अगले आंदोलन का निर्णय किया जाए। कई जगह पे लाठीचार्ज किया है और सिर में लाठियाँ मारी हैं, जबकि टांगों में मारने का अधिकार है, सिर पे मारने का अधिकार नहीं है, वो गैर कानूनी है। जिन्होंने सिर पे लाठियाँ मारी हैं तो मुकदमा दर्ज किया जाए और ये आंदोलन इनकी लाठियों से नहीं दबेगा, गोलियों से नहीं दबेगा, आंदोलन जारी रहेगा। अगले बार का इससे बड़ा आंदोलन है, इसी स्टैंड पे काम है, कायम है। अध्यादेश वापस लें, मंडियाँ जो कि थी बनी रहें और MSP की गारंटी का कानून बनाएं। मेरे पीछे लग रही है लेकिन मैं उनसे गिरफ्तार नहीं मेरे को कर पाए और मैं उनसे कहीं अंडरग्राउंड हुआ था तो नहीं कि मैं तो बाहर रहा हूँ, लेकिन अगला जो आंदोलन होगा वो इस आंदोलन से कड़ा होगा, ये चेतावनी। कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठीचार्ज पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार जो है कोरोना के बहाने में बहाना बनाकर किसान की आवाज़ दबाना चाहती है। किसान की आवाज़ दबा नहीं सकती, ना दबने दिया जाएगा, क्योंकि किसान अन्नदाता है जो पूरे देश का पेट पालता है। ये जो तीन अध्यादेश हैं वो किसान के हित में नहीं है और ये वो आड़तियों के हित में भी नहीं है, मजदूर के हित में भी नहीं। हाँ, अगर ये अध्यादेश लाना चाहते हैं तो चौथा अध्यादेश और लेके आए कि किसान को MSP मिलेगी स्वामीनाथन C2 फार्मूले पर। हाँ, अगर जो भी कंपनी या जो व्यक्ति किसान को कम MSP देगा उसके ऊपर सजा उसकी हो तो वो चौथा ऑर्डिनेंस ले आए तो बात मंजूर होगी। ये जो अब लेके आ रहे हैं ये नामंजूर है और ये लड़ाई किसान लड़ रहे हैं और किसानों के साथ हम डट के खड़े हैं, पूरी पार्टी खड़ी है और जो आज उनके साथ व्यवहार हुआ है वो निंदनीय है और इसी वास्ते मैं कल स्वयं पीपली जा रहा हूँ। डूब मरो खट्टर सरकार, दुष्यंत चौटाला सरकार। पीपली कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जिस प्रकार से मंडी बचाओ किसान बचाओ रैली के लिए
दमन चक्र चारों तरफ पुलिस का फैला रखा है। जिस प्रकार से किसानों पर लाठियां चलाई जा रही हैं, जिस प्रकार से पगड़ियां रोली जा रही हैं, जिस प्रकार से मंडियों से आढ़तियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये एक ऐसी तानाशाही सरकार की याद दिलाता है जो आजाद भारत में ना कभी हुई और शायद ना कभी होगी। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, जिस किसान, आड़ती और मजदूर के सर पर आप सत्ता में आए थे, आज आप उसी की पगड़ी को लाठियों से कुचल रहे हैं। तीन तीन अध्यादेश जो मोदी सरकार लाई है, जिससे मंडी और किसान दोनों खत्म हो जाएंगे, जिससे मजदूरी खत्म हो जाएगी, रोजगार और रोटी खत्म हो जाएगी, उसका विरोध जारी रहेगा। आप चाहिए कितने ही लाख किसानों, आड़तियों और मजदूरों को जेलों में डाल दे, एक को डालेंगे दूसरा सामने आएगा। ये संघर्ष जारी रहेगा, ये समझ लीजिए, जब तक मोदी और खट्टर सरकारों को हम उखाड़ कर नहीं फेंक देते। यही हमारा संकल्प है। जय किसान, जय आड़ती, जय मजदूर, जय हरियाणा, जय हिंदुस्तान। रणदीप सिंह सुरजेवाला के बाद अब कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने भी लाठीचार्ज की निंदा की है। उन्होंने किसानों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज को कायराना हरकत करार दिया और किसानों की आवाज को लाठियों से दबाने को लोकतंत्र की हत्या बताया। आज हमारे किसान भाई जो पीपली में इकट्ठे होने के लिए जा रहे थे और चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा रखी है और पता नहीं कितने हजारों नाके लगाए हुए हैं कि हमारे किसान भाई वहाँ पे ना पहुँच पाए। सच्चाई ये है कि जिस तरह के ये तुगलकी अध्यादेश जो ये जारी करे गए हैं, ये किसान के हित में बिल्कुल नहीं है, ये व्यापारियों के, छोटे व्यापारियों के हित में बिल्कुल नहीं है। और आने वाले समय में कहने की बात, ये जो कहते हैं कि दुगनी आय करेंगे किसान, जो है अगर ये अध्यादेश जारी हो गए तो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो आज सरकार ज़बरदस्ती जो है कोशिश कर रही है कि वहाँ पर किसान भाई ना पहुँचे, ये बहुत ही गलत कदम सरकार ने उठाया है और मैं कहना चाहती हूँ सरकार को इसका बहुत बुरा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। सच्चाई ये है कि सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए था कि ये करने से पहले कि किसान की हालत क्या होगी।